का चुनाव जीता जाएगा या जीता गया है क्या? अब बिल्कुल बिल्कुल जीता जाएगा। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम पे पिछले 2014 से चुनाव हो रहा है, हर चुनाव हो रहे हैं, तो 22 में भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। और आप वोट भी 24 में भी होगा और आप जिताएंगे? हाँ जिताएंगे, मोदी को जिताएंगे, जोगी के नाम पर। हाँ उनके काम नहीं है, जब वो कर रहे हैं मुस्लिम बात तो हम हिंदू बात करेंगे। देखिए ये है, ये वो कैफे हाउस है, ये वो इंडियन कैफे हाउस है जहाँ पर देश के पुराने, जहाँ पे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने बैठ करके चुनावी चर्चे करी हैं और देश के विकास को लेके तमाम योजनाएं बनाई है। ये वो कॉफी हाउस है, इंडियन कॉफी हाउस। और बाबूजी आपके सोच को मेरा सैल्यूट है कि आप यहाँ पर, आप पत्रकार हैं सर? मैं जर्नलिस्ट दैनिक जागरण 30 बरस तक। सर अपना नाम बताइएगा। रविंद्र पांडे। रविंद्र पांडे जी, आप जर्नलिस्ट हैं और मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, इसलिए मैं आपसे कम उम्र की हूँ, लेकिन एक बात बताऊंगी, अगर आपके हाथ में कलम है और अगर आप ऐसी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं आने वाले जर्नलिस्ट को, तो देश बर्बाद होने वाला है। बहुत सही कहा है आपने, ये वही बात कर रहे हैं जिससे देश बर्बाद हो। ये कलम के पुजारी हैं, इनको इस प्रकार बात किसी पार्टी के पक्ष में नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, पांडे जी है भावुक हो जा रहे हैं। नागरिक तो हिंदू मुसलमान दोनों नागरिक है पांडे जी, तो हम कहा कर नागरिक हम कहा वहाँ पर बैठे बाबूजी भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं। हमारी मर्जी आप नहीं तय कर सकती मेरे बारे में, लेकिन आप देश के बारे में, आप मेरे बारे में उदाहरण नहीं बना सकती, वो जनता तय करेगी, पांडे जी थोड़ी तय करेगी। पांडे जी भावुक हैं, कोई भावुक है, सर्दी बहुत ज्यादा है, पांडे जी भावुक हैं। देखिए ये 22 का जो चुनाव है, ये बीजेपी जो है ये धर्म के नाम पर जीतना चाहती है, और बीजेपी हमारे देश में जब जब बीजेपी धर्म के नाम पर आई है, तो नहीं सुनिए बात बाबूजी, बीजेपी की नहीं है, बात है उस माहौल की जो माहौल अभी बन गया है। मैं रविंद्र पांडे जी जो आज बात बड़े खुलकर बड़े आराम से बड़े गर्व से कह पा रहे हैं कि हाँ हिंदू मुसलमान का मसला है और इसी पर जीतेंगे और इसी पर वोट देंगे, ये पहले नहीं था, पहले नहीं था, कांग्रेस जमाने में नहीं था, ये आज है, ये कैसे है और ये जहर कैसे आ गया? अरे भाई हमारे देश में आप हम सब बीजेपी सत्ता के लिए फैलाया है और बीजेपी इसी पर राज कर रही है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, बहुत जल्द ही परिवर्तन होगा और देश में जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी उसी प्रकार देश में भी होगी और प्रदेश में बनेगी, और 2022 में भी प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस जीतेगी और सरकार बनेगी। अच्छा अभी तो प्रियंका गांधी ने अभी से ही हार मान ली है, रैली नहीं हो रही है। क्यों हार मान लिया? कैसे आपको पता हार मान ली है? प्रियंका गांधी ने 5 साल संघर्ष किया है, प्रियंका गांधी हर उस जिसके ऊपर उत्पीड़न हुआ है उसके घर गई है, प्रियंका गांधी हर सवाल पे लड़ी है, उन्होंने महिलाओं के सवाल पे लड़ा है, बेरोजगारी के सवाल पे लड़ा है, कैसे हार मान लेंगी प्रियंका गांधी? लेकिन प्रियंका गांधी जी ने रैलियों के लिए कह दिया कि अब रैलियां नहीं होंगी। हाँ। की दृष्टिकोण से ये बात कही है। हाँ, हाँ, हाँ। आप जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये बात की है, बिल्कुल ठीक बात है और उनसे सीखना चाहिए दूसरी बात। सही है, लेकिन प्रियंका गांधी जी थोड़ा लेट आई कि नहीं आई? कहाँ लेट आई? कुछ देर, 5 साल कौन संघर्ष किया सड़क पे, अखिलेश ट्वीट कर रहे थे, बीजेपी वाले लूट रहे थे, न तो बेरोजगारी के सवाल पे, नौजवान हमारा बेरोजगार सड़क पे टहल रहा है, महंगाई के सवाल पे कोई बोल नहीं रहा, किसानों के मुद्दे पे कोई बोल नहीं रहा है, वल्ली प्रियंका गांधी ने लड़ा है और प्रियंका गांधी इस प्रदेश को बदलेंगी, निश्चित बदलेंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का मुद्दा इस बार आबादी का सवाल है, वो तो आधी आबादी का सवाल है, उसके सवाल पे कोई नहीं बोल रहा था, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है, निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण सवाल है, पूरे वर्ल्ड में महिलाओं को जो यहाँ पर सम्मान प्रियंका गांधी ने दिलाने की बात की है, प्रियंका गांधी, लेकिन कांग्रेस ने आज लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात कही है, आज तक महिलाओं को आरक्षण 40% क्यों नहीं दिला पाए? जब उसकी सकता होगी तब बात होगी ना, प्रियंका गांधी आई है अब बात कर रही है। महिलाओं को आज जरूरत है क्या कांग्रेस? पहले समाज बदल रहा है, आवश्यकता पहले भी थी, आवश्यकता पहले भी थी, पहले भी कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, महिला प्रधानमंत्री भी बनी है, महिला राष्ट्रपति भी बनी है, महिला मुख्यमंत्री भी बनी है, महिलाएं जो है हमारे यहाँ पर्वत पे भी गई हैं, हमारे यहाँ महिलाएं जो है तो दौड़ में भी फर्स्ट आई हैं, मतलब हम किसी का नाम पर्सनल नहीं ले रहे, लेकिन हम हर विभाग में बता रहे हैं कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, लेकिन महिला आज के काल में आज के पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। तो प्रियंका गांधी जब यहाँ की बनी है प्रभारी उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने अपना खुद का फैसला, उनका है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी का खुद का फैसला है कि अगर उत्तर प्रदेश की, अच्छा एक बात बताइए, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही है, प्रियंका गांधी जी ने जो इस वक्त पर महिलाओं की राजनीति ऐसा उनको 40% भागीदारी देने की बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई नहीं सोचता, प्रियंका गांधी जी ने सोचा है, बहुत अच्छी बात है, इस बात का सम्मान भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं?
कांग्रेस को हम नहीं देख रहे, कांग्रेस को आने वाले लोग देख रहे हैं, यहाँ की जनता देख रही है, यहाँ के वोटर्स देख रहे हैं। मतलब किचन में महिलाएं गुनगुना रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो कहीं पर भी हम देख रहे हैं। लोग किसी से हम मिलते हैं तो लोग बताते हैं, मेरी पत्नी भाई मैं तो सपा में हूँ, फलाने कहते हैं भाजपा में हूँ। आप भी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा अपना बुलंद है, बुलंद है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बुलंद है। अच्छा चलिए, यहाँ पर सब आम लोग बैठे, नहीं सुनिए सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपने बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन टोका इसलिए क्योंकि आजकल अगर सवाल ना कहो तो लोग आपके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि अरे ये तो कांग्रेसी पत्रकार है, अरे नहीं 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 ये तो सफाई पत्रकार है। क्या बोल रहे हैं? जैसे आपने अभी कहा, अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कहेंगे तो मैं फिर आपको कहूंगी कि आप गलत है, आप गलत है, फिर बोलूंगी आपको फिर बोलूंगी आप गलत है। कोई बात नहीं, ये बदलेगा लोग समाज को बर्बाद करते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा भाई सब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश आप, आपको कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है ना, हमको दिखाई दे रही है, जनता को दिखाई दे रही है, एक उम्मीद है कांग्रेस। अब कांग्रेस के अलावा कोई नहीं, 5 साल मायावती को देखा, 5 साल अखिलेश को देखा, 5 साल योगी को देखा, ये प्रदेश सब एक दूसरे को नकार चुकी है जनता। अब सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प है और कांग्रेस ही लड़ रही है, कांग्रेस ही लड़ेगी और सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। 22 भी हम जीतेंगे, 24 भी हम जीतेंगे, 24। यस, आप देख लीजिएगा। अच्छा कौन, अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रियंका गांधी बनेगी मुख्यमंत्री, या प्रियंका अगर 24 जीतती है, और अगर 24 जीतती है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी जैसा दूरदर्शी नेता इस देश में है, ये हमें गर्व है, क्योंकि उन्होंने कहा कोरोना के सवाल पे कहा, जीएसटी के सवाल पे कहा, जिन जिन मुद्दों पे राहुल गांधी ने बात कही वो हमारे सामने आया है। क्या लग रहा है प्रियंका गांधी चक्कर दे पाएंगी बीजेपी को? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं दे पाएंगी बीजेपी को, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। और इस बार भी बीजेपी बगल में बैठे हैं आपको टक्कर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार भी बीजेपी 300 पार करेगी, 300 पार करेगी। योगी और मोदी के टक्कर में कोई नहीं आएगा। अच्छा बेरोजगारी के टक्कर में कौन आएगा, गरीबी के टक्कर में कौन आएगा, कोरोना में जितने लोगों ने, अब जितने लोगों के परिवार के लोगों ने जान गवा दी उनके टक्कर में कौन आएगा? किसान, 700 किसान जिनकी मौत हो गई उनके टक्कर में कौन योग्य है? पास होने को 100 में 95 पास हो जाएं, 100 में 100 हो जाएं, लेकिन उसमें केवल योग्य 5% होते हैं। बेरोजगार लड़के हमारे साथ है, ये देखिए ये बेरोजगार लड़के नहीं योग्य। अच्छा कितनी भर्तियां पास की भैया? हम लोग वीडियो में सिलेक्टेड थे, वीडियो भर्ती रद्द हो गई, वीडियो एग्जाम हुआ था हम लोग सिलेक्टेड थे, उस भर्ती रद्द कर दिए और उसकी खुशी में मिठाई बांट दिया, मैं पास हो गया, मुझे नियुक्ति मिलेगी, लेकिन लास्ट में किया गया भर्ती रद्द कर डाली उन्होंने। अब आप प्रशासन आप जानिए ना, सरकार आपकी, आप पूछिए क्यों रद्द हो गई? नहीं नहीं, अगर कोई विशेष गड़बड़ी, अभी टीटी की परीक्षा हुई, जब खुले आम पेपर आउट हो जाएगा तो परीक्षा रद्द होगी। वीडियो की परीक्षा रद्द हुई। सुनिए, सरकार किसकी है, प्रशासन किसके हैं, सचिव किसके हैं? केवल सरकार ने तो कहा था एक भी भर्ती में धांधली नहीं होगी। इस प्रशासन में तमाम कर्मचारी जो 20-25 साल पहले के कर्मचारी हैं, जी एक बात बताइए, सपा बसपा कांग्रेस के कर्मचारी आज भी भरे पड़े हैं प्रशासन में, सपा बसपा कांग्रेस के तमाम कर्मचारी भरे पड़े हैं। और गड़बड़ी अगर होती है तो केवल भाजपा नहीं कर रही है, गड़बड़ी दूसरे लोग कर रहे हैं, भाजपा के सिर पर ठीकरा फोर रहे हैं, बदनाम भाजपा को किया जा रहा है। योगी मोदी ऐसे नेता हैं जिनको पूरी दुनिया चाह रही है कि हमारे काश हमारे देश में। महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है? महंगाई, आबादी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी ही, कोरोना काल तो सारी दुनिया। तो बीजेपी ने नारा क्यों दिया? केवल महंगाई की बार, अब की बार फला फला सरकार। सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी है जब से कोरोना आया है, 1.5-2 साल से प्रोडक्शन कुछ हो नहीं पा रहा है, न फैक्ट्रियां कायदे से चल पा रही है, न किसान खेती बाड़ी कर पा रहा है, महंगाई तो बढ़ेगी। मेरी बात सुनिएगा, यही बीजेपी सरकार जब सत्ता में नहीं थी तो ये नारा लेकर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो जब सरकारें सत्ता में आ जाती हैं तो क्या नारे और वादे भूल जाती हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी जो वादा किया है, जो नारा दिया है उस पर वो कायम है। बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार भाजपा सरकार, फिर भाजपा सरकार, 2 करोड़ ही नहीं,
कई करोड़ लोगों को रोजगार का मतलब क्यों सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार का मतलब अगर भाजपा आ रही है तो क्यों आ रही है, किस बात पे आ रही है तो बताइए। भाजपा आ रही है सबका साथ सबके विकास के मुद्दे पर, सबका विश्वास प्राप्त है भाजपा को, कितनों को विश्वास प्राप्त है हाथ उठा के बता दो। प्रयागराज नहीं दिखा रहा कोई विकास, कोई किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। पुराना इलाहाबाद आज का प्रयागराज देख लीजिए। सन 1937 में एक मिनट है जी, मैं इन सन 1900 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस जब बना उत्तर प्रदेश, उस समय बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी और क्या कहते हैं ब्रिटिश थी, सब मिला के तो इसको यूनाइटेड प्रोविंस का दर्जा दिया गया। और 1950 को मैं दो सिर्फ मात्र एयरपोर्ट बने थे उत्तर प्रदेश में, आज मोदी योगी के बदौलत 24 एयरपोर्ट बने हुए हैं जिसमें 10 चल रहे हैं और 14 की तैयारी है, कोई कमी नहीं है बीजेपी की। आवागमन है तुरंत होने, कोई कमी नहीं है एकदम। 27 तक कोई बोलने वाला नहीं है, ना भूतों ना भविष्य। अच्छा चलिए, हाँ बढ़िया बात कर रहे हैं। हाँ अंकल जी को कुछ बोलना है, बोल दीजिए फिर अंकल जी ने अंकल एक सेकंड जल्दी बोलिए, समय कम है। अंकल जी ने कहा 24 एयरपोर्ट है, मोदी जी कहते हवाई चप्पल पे, वो भी हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चढ़ेगा। अब पैसे नहीं है तो 24 एयरपोर्ट लेके क्या करेंगे, रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, 24 एयरपोर्ट लेके क्या करेंगे, पैसे हम मुझे रोजगार मिलेगा तब पैसे आएंगे तब हवाई जहाज चलेगा। योग्य तो बनो पहले, योग्य तो है, योग्य तो है, योग्यता को आने नहीं है। जब 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 आदमी घर में बैठ के कॉपी लिखेगा तो योग्यता आएगी कहाँ से, परीक्षा में परीक्षण जो अंकल जी आते रहेंगे, स्वयं लिखो स्वयं उत्तर दे दो तो कौन पास होगा, जब योग्यता ही नहीं है तो कोई क्या करेगा। अंकल जी बेरोजगारी बढ़ेगी, ये पढ़े लिखे बेरोजगार है। आइए आइए बताइए कितनी परीक्षाएं दी है पहली बीडी। मैं बलिया से रहने वाला हूँ, इलाहाबाद में 2012 से रह रहा हूँ, इलाहाबाद में बीए किया, एमए किया, बीटीसी कर लिया, यूपी टेस्ट सीटेट दो बार क्वालिफाई कर बैठा हूँ। इन्होंने क्या किया कि 97,000 शिक्षक हम लोग मांग कर रहे गार्डन में, ठीक, इन्होंने क्या किया जुमलाबाजी कर दिया, पेपर में इतना दिया। बीडीओ में हम लोग सिलेक्टेड थे, लिस्ट जारी किया, हाँ इतने लोग पास हुए, एग्जाम भी हुआ, फिर जब नियुक्ति पास नियुक्ति देने की जब मांग आई इन लोगों की तो भर्ती रद्द कर डाली। क्यों रद्द कर डाली, कोई होगी सरकार अपने ऊपर धब्बा नहीं लेना चाहिए। 21 लाख लड़के बैठे हैं, कोई बात नहीं, नहीं बोल पाएंगे संदीप, नहीं बोल पाएंगे, जवाब नहीं है कोई बात नहीं भाई, माहौल जान रहे हैं। नमस्कार, तो भाई आज यहाँ का माहौल जान रहे थे, इंडियन कॉफी हाउस में थी, यहाँ पर लोगों की राय लेना चाह रही थी कि 22 का माहौल क्या है। यहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो लोग राजनीति के बारे में बड़ी अच्छे से सब कुछ जानते हैं, चुनाव की नब्ज भी जानते हैं और प्रयागराज की नब्ज भी जानते हैं। यहाँ के लोगों से वही जान रहे थे, प्रयागराज में घूम रहे हैं, प्रयागराज में एक एक गली एक एक कूचा एक एक मोहल्ले में जाएंगे और यहाँ का जो माहौल है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको ग्राउंड से बताएंगे। और ये इंडियन कैफे हाउस है, 100 साल पुराना है, तमाम प्रधानमंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता जिनको आपने इतिहासों में किताबों में पढ़ा होगा वो इसी कॉफी हाउस में बैठकर बड़ी बड़ी चर्चाएं किया करते थे। आज ये चर्चा हमारी यहाँ हुई है, विचार जिसके भी अलग अलग हो लेकिन ये चर्चा बड़ी शानदार हुई है, अच्छी हुई है तो ताली बजा दो एक बार, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मेरे साथ,